और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म. लेट्स स्टार्ट विद यू ज़ेर. आपका वोट किसके खिलाफ? मैम गजल. गजल क्यों? मैम काफी ज्यादा कंफ्यूज है और टाइम भी बहुत वेस्ट कर रही है. ऑल राइट नेहा से बात. चेन चल रही है तो वहाँ पे आके या तो टूट जा रही है या तो फिर ये टाइम बहुत ज्यादा लेके फिर जवाब दे रही है, तो इसलिए नहीं रहना चाहिए इनको नेक्स्ट राउंड के लिए. गजल ने दोनों जवाब सही दिए. मैम टाइम बहुत लिया, वक्त लिया. नेहा. मैम गजल. ऑल राइट शोएब से बात करते हैं. जी शोएब. मैम इफ्तिखार. क्यों? दो सवाल पूछे. मैंने दोनों बार बैंक किया है. एक से उसको पहले बोलने दो. जी दो सवाल मैम आपने पूछे हैं उनसे लेकिन एक का भी सही जवाब नहीं दिया. मैंने दोनों बार बैंक किया है यार. क्या हो गया? बैंक तो किया है लेकिन आपको जवाब तो आना चाहिए ना. मनी तो सेव की है मैंने. एक के बाद मुझे नहीं आ रहा था लेकिन जब नेहा ने बैंक किया तो आपको जवाब देना था ना. आपने क्यों बैंक किया जब आपको सवाल नहीं आ रहा है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना. बैंक भी कर रहे हो फिर मैम सवाल कर रही है फिर आप सोच रहे हो. बैंक करके आगे गया हूँ ना मैं. बैंक के बगैर तो मैंने पास नहीं किया. पास करके चेन तोड़ी तो आप नहीं. इस तरह नहीं होगा. इस तरह तो टीम वर्क नहीं हो सकता ना. ये तो टाइम कितना वेस्ट हुआ है आपने देखा है? नहीं नहीं. इसी कारण आप वही कर रहे हैं जो मुदस्सर आपके साथ पिछले राउंड में कर रहा था. उसके पास भी वही हक है. बात सही है. आपने दोनों okay, मैम कर सकते हैं ये अपना वोट कर सकते हैं. तो फिर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैम ये डायरेक्ट मुझ पर आए हैं इतने सारे कंटेस्टेंट को छोड़ के डायरेक्ट मुझे. क्योंकि आप नजरों में मेरे साथ खड़े हैं. शायद मेरे साथ कॉम्पिटिटर करीब है ना तो इसलिए ज्यादा फोकस है आप पे. फोकस शायद मुझ पर ज्यादा है. नजरें मुझ पर हैं इनकी. ओके जी आप बताएं आपकी नजरें किस पर हैं? मैम गजल. ओके गजल. एहसन. मैम मेरा वोट गजल को है. और गजल का वोट किसके लिए? मुझे. उज़ैर. मुदस्सर से भी पूछ लेते हैं. बेचारा मुदस्सर ही रह गया. जी मुदस्सर. इफ्तिखार. ओ रीजन बताएंगे आप? दो बार पास किया और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट. एक बार तो आपने भी पास किया है. एक बार किया ना और मैंने. पहले सवाल दोनों बार तो किया और तुमने प्लस टाइम भी. पहले सवाल में आपने भी सोचा. ओके डजंट मैटर गाइस. परेशान नहीं हो इफ्तिखार क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स तुम्हारे नहीं गजल के खिलाफ है. जिसका मतलब ये है कि आप बाहर नहीं जा रहे. थैंक यू सो मच. आप नहीं जा रहे जिसके खिलाफ. मैम यहाँ दोस्तों के पीछे छुपे हुए दुश्मन नजर आ रहे हैं ना इसलिए. ये हैदराबाद का नाम डुबोने आए मैम यहाँ पे. That's great. क्योंकि सब पैसों के लिए खेल रहे हैं. ये मैम सब कम्पीट कर रहे हैं. गजल मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है जिसका मतलब ये है कि आप जा रही हैं वापस घर खाली हाथ. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ. आखिरी खिलाड़ी कौन? उज़ैर ने और नेहा ने मुझे एलिमिनेट किया. बहुत गलत किया. अगर मैं खेलती और मुझे इनाम मिलता तो मैं उसे अपनी वालदा को हज करवाती लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका. एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा. आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे. सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.